Okay, so good morning, students. Okay, so today we will discuss about the leukemia. So, introduction. The word leukemia comes from the Greek word leukos, which means white, and aima, which means blood. Okay, so what is the meaning of leukemia? It comes from the Greek word, okay, leukos. Leukos means white, and aima, which means blood. Okay, so leukemia is a cancer of blood forming cells in the bone marrow. What is the leukemia? Leukemia is a cancer of blood forming cells in the bone marrow. These dearranged immature cells accumulate in the blood and within organ of the body. Okay, then next is definition. Leukemia is a malignant disorder that involves the bone marrow and the blood system. Okay, leukemia results in the uncontrolled growth of abnormal leukemic white blood cells. So what is leukemia? Leukemia एक malignant disorder है, okay, malignant cancer है, जो किसको involve करता है? Bone marrow को और blood system को involve करता है, okay? Then leukemia results in the uncontrolled growth of abnormal white blood cells. क्या होता है leukemia में? Uncontrolled growth होता है किसका? Abnormal या leukemic या फिर white blood cells का abnormal growth होता है, uncontrolled. Okay, clear? Then a cancer of blood forming tissues including bone marrow hindering the body's ability to fight infection. अब क्या होता है? लिकेमिया क्या है? ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर है, ओके? जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसका कैंसर है, ओके? देन किसको इन्वॉल्व करता है ये? बोन मैरो को. और हाइंडरिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन मींस अगर बॉडी में हमारे ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड रूप में ग्रोथ होने लगे या फिर कोई भी डैमेज हुआ तो उससे क्या होगा? हमारी जो बॉडी का एबिलिटी है, क्या एबिलिटी? जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, वो एबिलिटी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. ओके, देन ल्यूकेमिया इज एन एक्यूट और क्रोनिक डिजीज इन ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ल्यूकेमिया क्या है? एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है, जो ह्यूमंस में होते हैं और अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनके ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स में भी ल्यूकेमिया पाया जाता है. ओके, देन कैरेक्टराइज्ड बाई एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द टिश्यूज एंड ऑफन इन द ब्लड. ओके, सो क्या बोल रहा है? क्रोनिक और एक्यूट ल्यूकेमिया जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है, साथ ही साथ ऐसे एनिमल्स में जिनके ब्लड जो है वो वार्म होते हैं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. क्यों होते हैं ये? वाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण, एबनॉर्मल ग्रोथ और अमाउंट में इंक्रीज होने के कारण. ओके, कहाँ? टिश्यू में या फिर ब्लड में. ओके, क्लियर? देन क्लासिफिकेशन. So what are the classification of leukemia? First one is acute leukemia, second one is chronic leukemia. First one is acute leukemia, we will discuss about it. Acute leukemia is characterized by the rapid increase of immature blood cells. What is this? It characterized by the rapid increase of immature blood cells. मतलब क्या हो रहा है? जो immature blood cells हैं वो rapid increase होने लगते हैं, ठीक है? Then this crowding makes the bone marrow unable to produce healthy blood cells. अब क्या हो रहा है? जो blood हैं, immature blood cells हैं, वो rapid increase हो रहे हैं, मतलब अपने जो normal time में increase होते हैं उससे जल्दी increase हो रहे हैं. अब वो क्या होगा? क्राउड क्रिएट करेगा बोन मैरो में, ठीक है? अब वो क्राउड क्रिएट करने के कारण कोई भी चीज अगर ज्यादा इंक्रीज होने लगा, यानी कि ज्यादा होने लगा, वो अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा? बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेगा. क्राउड होने से क्या होता है? बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है कि नहीं? जस्ट लाइक अगर ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो क्या करेगा? बोन मैरो में क्राउड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो बाकी हेल्दी ब्लड सेल्स हैं उनको उनके प्रोड्यूस होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो बोन मैरो में क्राउड होने के कारण जो नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होने में अनेबल हो जाएंगे. ओके, देन इमीडिएट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इन एक्यूट ल्यूकेमिया.
ड्यू टू द रैपिड प्रोग्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मेलिग्नेंट सेल्स. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है रिक्वायर्ड होती है ल्यूकेमिया के लिए ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेलिग्नेंट सेल्स. अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है या जो इमेच्योर सेल्स हैं वो रैपिड प्रोग्रेस हो रहे हैं, रैपिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, और क्या हो रहा है, मेलिग्नेंसी. अब इट्स कॉमन कि अगर ये ब्लड का कैंसर है तो पूरे बॉडी में होगा, यानी कि मेलिग्नेंसी होगा. ठीक है, मेलिग्नेंट कैंसर होगा पूरे बॉडी में, ये क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा. इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएट रिक्वायर्ड होता है. ओके, विच स्पिल ओवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्लड कैंसर है तो ये पूरे ऑर्गन्स में बॉडी के स्प्रेड होता है, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है. ओके, देन एक्यूट फॉर्म्स ऑफ ल्यूकेमिया आर द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन. एक्यूट ल्यूकेमिया है वो क्या होता है, चिल्ड्रंस में कॉमन होता है. ओके, देन सेकेंड वन इज क्रोनिक ल्यूकेमिया इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मैच्योर बट स्टिल एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, क्या बोल रहा है ये, इस इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द बिल्डअप ऑफ रिलेटिवली मैच्योर. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मैच्योर भी हो गए, लेकिन क्या हो रहा है, स्टिल ये एबनॉर्मल है. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एबनॉर्मल है. अब इट्स कॉमन कि अगर ये इंक्रीज रैपिड हुए हैं तो ये एबनॉर्मल ही होगा. ओके, देन टिपिकली टेकिंग मंथ्स ईयर टू प्रोग्रेस द सेल्स आर प्रोड्यूस्ड मच हायर देन द नॉर्मल सेल्स. जैसे मैंने पहले बताया कि अपने नॉर्मल टाइम से ये ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होने लगते हैं. ओके, देन रिजल्टिंग इन मैनी एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड. ओके, अब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रिजल्ट उसका क्या निकलेगा कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स कॉमन मान लो चार हैं अगर, तो अगर वो रैपिड इंक्रीज होगा 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, देन वेयर एज एक्यूट ल्यूकेमिया इज बी ट्रीटेड इमिडिएटली. ओके, देन एक्यूट ल्यूकेमिया को क्या बोल रहे हैं, इमिडिएट ट्रीटमेंट कर देते हैं. ठीक है, फिर क्रोनिक ल्यूकेमिया मोस्टली अकर इन ओल्डर पीपल बट कैन थ्योरेटिकली अकर इन एनी एज. ठीक है, थ्योरेटिकली क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या है, किसी भी एज में हो सकता है, बट मेनली अब तक के क्या देखा गया है कि ये ओल्डर पीपल में ही पाया जाता है. क्यों, क्योंकि एक्यूट ल्यूकेमिया को ही इमीडिएट ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस वजह से वो क्रोनिक फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो पाता है. इसलिए चिल्ड्रन में क्रोनिक फॉर्म तो नहीं देखा जाता, बट ज़्यादातर मेनली क्या ओल्डर एज में देखा गया है, बट थ्योरेटिकली ये किसी भी एज में हो सकता है अगर एक्यूट ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया गया तो. ओके, देन नेक्स्ट इज अदर क्लासिफिकेशन. ओके, देर आर मैनी अदर क्लासिफिकेशन. सो ल्यूकेमिया आर ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू टाइप ऑफ अफेक्टेड ब्लड सेल्स. क्या बोल रहे हैं, ल्यूकेमिया यहाँ पे सब डिवाइड हुआ है, बट किसके अकॉर्डिंग, ब्लड सेल्स के अफेक्टेड, जो ब्लड सेल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सब डिवाइडेड हुआ है. ओके, इफ द कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन द टाइप ऑफ मैरो दैट मेक्स लिम्फोसाइट. ओके, द डिसीज इज कॉल्ड अ लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. अब क्या बोल रहा है, अगर हमारे बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अगर कैंसरस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अगर हमारे बोन मैरो के अंदर का जो ब्लड है वो अगर कैंसर फॉर्म लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. ओके, बोन मैरो जो है वो कैंसरस फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, बोन मैरो के अंदर का जो ब्लड है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट्स. ओके, तो अगर वो वहां डिसीज कॉज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. ओके, दिस डिसीज इज कॉल्ड अ लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया. अ लिम्फोसाइटिक इज अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल इनसाइड द वर्टिब्रा इम्यून सिस्टम. ओके, अब लिम्फोसाइटिक क्या है, लिम्फोसाइट क्या है, अ लिम्फोसाइटिक इज अ काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है. ओके, जो इनसाइड द वर्टिब्रा इम्यून सिस्टम, जो कहाँ पाया जाता है, वर्टिब्रल इम्यून सिस्टम में. ठीक है, हम इम्यून सिस्टम में मतलब हमारे बोन मैरो के अंदर पाया जाता है, इम्यून सिस्टम में, जो हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी से या फिर एंटीजन से या इन्फेक्शन से के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो एबिलिटी रखते हैं. ठीक, हाँ, तो अगर
बोन मैरो के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स में पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब क्या हो रहा है, अगर वो उस सेल्स को छोड़ के किसी और सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी कि अदर ब्लड कंपोनेंट में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में या फिर किसी और व्हाइट सेल्स में या फिर प्लेटलेट्स में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ठीक है, पहले क्या हुआ, बोन मैरो के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स में कॉज हुआ, तो उसको बोले लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा किसी और सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ओके, देन फर्स्ट इज लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइटिक के भी टू टाइप्स हैं, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकेंड इज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एंड माइलोजिनस ल्यूकेमिया ऑल्सो हैव टू टाइप्स, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ओके, देन फर्स्ट इज एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सो दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया एमंग यंग चिल्ड्रन। ओके, दिस डिसीज ऑल्सो अफेक्ट्स एडल्ट, स्पेशली दोज एजेस 65 एंड ओल्डर। सर्वाइवल रेट्स ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स रेंजेस फ्रॉम 85% एमंग चिल्ड्रन एंड 50% एमंग एडल्ट्स। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ओके, सो व्हाट इज द एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया एमंग यंग इन चिल्ड्रन। ओके, मोस्ट अफेक्टेड इन चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन। ओके, देन दिस डिसीज ऑल्सो अफेक्ट्स एडल्ट। ओके, दिस डिसीज ऑल्सो कैन अफेक्ट द एडल्ट, स्पेशली दो हूँ स्पेशली दोज एजेस 65 एंड ओल्डर। ओके, then survival rates of at least 5 years ranges from 85% among children and 50% among adults। ठीक है, last 5 year के according survival rate है childrens में 85% and adults में 50%। ओके, देन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। ओके, सो वॉट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर द एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। देन सेकेंड इज क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन अमंग एडल्ट ओवर 55। ओके, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट हु हैव एज ओवर 55। ओके, देन ऑल द यंगर एडल्ट कैन गेट इट एज वेल। CLL hardly ever affect children. Okay, CLL means chronic lymphocytic leukemia hardly ever affect children means बहुत rare, बहुत कम ही childrens में affect होता है. Okay, then the majority of patient with CLL are men. Okay, अब adults में cause कर रहा है तो majority किस में है, men's को ये ज़्यादा cause कर रहा है. Okay, then over 60% and 75% treated CLL patients survive for over 5 years. Okay, first thing कि ये adults में cause कर रहा है, second thing उन adults में men's को ज़्यादा cause कर रहा है at least over 60%. Okay, then 75% treated CLL patients survive for over 5 years, मतलब 5 सालों में देखा गया है अब तक के कि CLL के 75% पेशेंट जो हैं वो ट्रीट किए जा चुके हैं। ओके, इट इज इनक्योरेबल बट देर आर मैनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। ओके, इनक्योरेबल है बट स्टिल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो इफेक्टिव हो जाते हैं। देन माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ओके, माइलोजिनस ल्यूकेमिया में एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया, दिस इज मोर कॉमन एमंग एडल्ट देन चिल्ड्रन। ओके, दिस इज ऑल्सो मोर कॉमन इन एडल्ट देन द चिल्ड्रन एंड अफेक्ट्स मेल्स सिग्निफिकेंटली मोर देन द फीमेल्स। इट ऑल्सो अफेक्ट मोर मेन्स रेदर देन द फीमेल्स। ओके, देन पेशेंट्स आर ट्रीटेड विथ कीमोथेरेपी एंड 40% ऑफ ट्रीटेड पेशेंट सर्वाइव ओवर 5 ईयर। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ओके, what is the treatment for acute myelogenous leukemia, that is chemotherapy and over 5 years, last 5 years 40% patients are treated. Okay, then chronic myelogenous leukemia, the vast majority of patients are adults. Okay, then what is this, majority of patients are adults, it's common, I already told. Then 90% of treated patients survive for over 5 years. Okay, acute myelogenous leukemia, what is that, what is there, 40% patient are treated over 5 years. Okay,
But what is now happens here, 90% of patients are treated over 5 years. Okay, then Gleevec imatinib is commonly used to treat CML. Okay, CML means chronic myelogenous leukemia. So what is the commonly used treatment for CML? Gleevec imatinib. One more thing, what is the Gleevec and imatinib? It is the chemotherapeutic drug. Then risk factor, radiation, okay. Then second is atomic bomb explosion, then diagnostic x-ray, smoking, exposure to certain chemicals, and what is that chemical? Benzene, okay. Chemotherapy, Down syndrome and a certain other inherited disease, myelodysplastic syndrome and a certain other blood disorders, human T cells leukemia virus type 1, then family history of leukemia, other medical therapy and events. So patient radiation therapy is a risk factor. How? जब पेशेंट को कोई कैंसर है, ठीक है, किसी अदर ऑर्गन में, और हम कंटिन्यूसली पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है. ओके, एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन, आई थिंक इसको बताने की जरूरत नहीं है. देन डायग्नोस्टिक एक्सरे. ओके, एक्सरे क्यों? उसमें भी रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, इस वजह से. ओके, देन स्मोकिंग, देन एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स. कौन सा केमिकल? बेंजीन. अगर कोई पर्सन है वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां बेंजीन केमिकल का यूज होता है या एक्सपोजर होता है, तो उस पर्सन को ल्यूकेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं. ओके, कीमोथेरेपी, जैसे रेडिएशन थेरेपी का ओवरडोज होने से एक ल्यूकेमिया हो सकता है, वैसे कीमोथेरेपी का ओवरडोज होने से, यानी कि बहुत ज्यादा अगर कंटिन्यू बहुत सालों से हम दे रहे हैं, तो पेशेंट को ल्यूकेमिया हो सकता है. ओके, देन डाउन सिंड्रोम एंड अ सर्टेन अदर इनहेरिटेड डिसीज, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है. फिर माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एंड सर्टेन अदर ब्लड डिसऑर्डर्स, देन ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1. ओके, अगर पेशेंट के क्या लिम्फोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है. तो अगर पेशेंट के अगर टी सेल्स में कोई एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, ठीक है, ल्यूकेमिया वायरस से भी पेशेंट को हो सकता है, तो अगर उस पेशेंट में टी सेल्स की कोई एबनॉर्मलिटीज, यानी कि टी सेल्स से रिलेटेड कोई वायरस है, ह्यूमन टी, जिसको कहते हैं ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, तो इसके कारण भी ल्यूकेमिया पेशेंट को कॉज करता है. ओके, देन अब ये कौन सा ल्यूकेमिया कॉज करेगा? जाहिर सी बात है, अगर ये लिम्फोसाइट का है तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कॉज करेगा. ओके, देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेमिया, देन अदर मेडिकल थेरेपी एंड इवेंट्स. नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. फर्स्ट इज स्वेलन लिम्फ नोड्स, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, नाइट स्वेट्स, फटीग, वेट लॉस, इजी ब्लीडिंग और ब्रशिंग, एंड पर्पलिस पैचेस इन द स्किन, टीनी रेड स्पॉट्स इन द स्किन, abdominal pain, discomfort or fullness, enlarged spleen, which is also called splenomegaly, lymph nodes and liver, pain in the bone or joints. Okay, then collection of leukemia cells in certain parts of the body may cause the following symptoms. Okay, according to body parts, alag alag aur symptoms ho sakte hain. So other symptoms are headache, confusion, blurred vision, balanced problem, painful swelling in the neck, under the arms or in the groin, shortness of breath, nausea or vomiting, testicular pain or swelling, weakness or loss of muscle control, and seizures. Seizure means, in Hindi we can call it jhatka, otherwise second term is epilepsy, okay, and convulsion. Then diagnostic evaluation. So what are the diagnostic evaluation for leukemia? Health history and a physical examination. So we should do health history and a physical examination. We have to ask to the patient present health history and a past history, okay, and a physical examination we have to do. Then blood test included CBC,
CBC means complete blood count. Under the CBC, we can include and we can determine the WBC, RBC, hemoglobin, and lymphocytes, okay? And basophils, neutrophils, all the things. Main thing is WBC and ESR and RBC, hemoglobin, okay? Then, second is bone marrow biopsy. So, we all know what is biopsy. Biopsy means a collection of tissue from the cancerous cells or from the organ to determine the cancer, okay? So, bone marrow biopsy, what is bone marrow biopsy? We will take a small part of bone marrow and we can send for the biopsy to test cancer is malignancy or not, okay? Then, skin biopsy. Same thing, we can take a small part of skin for the biopsy. And the cytogenetics. So, what is cytogenetics? Cyto means cell and genetics means we all know study of genes. Okay. So, cytogenetics is the examination of the leukemic cells for chromosomal abnormalities. Okay. So, what is cytogenetics? It is the examination of the leukemic cell for chromosomal abnormalities. Hum yahan pe kya dekhenge? Cytogenetics kya hai? Aisa examination hai jisme ल्यूकेमिक सेल का एग्जामिनेशन करते हैं किसके लिए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए ठीक है जीन्स के लिए ओके देन इम्यूनोफिनोटाइपिंग व्हाट इज इम्यूनोफिनोटाइपिंग इम्यूनोफिनोटाइपिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकेमिक सेल्स ओके इम्यूनोफिनोटाइपिंग व्हाट इज दिस It is the examination of antigens on the surface of leukemic cell. We will examine that antigen which are present on the surface of leukemic cells. Now, what is antigen? Antigen is a protein that can induce an immune response. Okay? Antigen kya hota hai? Hamare body mein present hota hai. Jo kya karta hai? Hamare immune system ko induce karta hai hamare kisi bhi foreign body. के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पांस करने के लिए इंड्यूस करता है यानी कि फोर्स करता है ठीक है सो क्या है इम्यूनोफिनोटाइपिंग इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ल्यूकेमिक सेल्स ओके देन लंबर पंचर सो व्हाट इज द लंबर पंचर लंबर पंचर इज अ इनसीजन इन द लंबर रीजन टू कलेक्ट A fluid, which fluid? CSF, okay? Cerebrospinal fluid. We will do a incision in the lumbar region and we can collect through CSF and we can examine the CSF for cancerous or malignancy of the cancer, okay? Then X-rays. We all know what is X-ray. Then CT scan, computerized scan. Computerized tomography scan, then MRI, magnetic resonance imaging test, then radionuclide scanning, then ultrasound. Okay. Radionuclide scanning is also type of MRI. Okay. In this we can inject a dye and we can scan properly to the bone marrow and nerves. Okay. And next is ultrasound. Ultrasound we all know what is that. Then management. So what are the management for leukemia? First thing, chemotherapy. We all know what is chemotherapy. Then biological therapy. Biological therapy is works by helping immune system recognize and attack leukemia cells. One type of biological therapy is a substance called a monoclonal antibody. It is given by IV infusion. Okay, so what is biological therapy? बायोलॉजिकल थेरेपी में हम ऐसा एंटीबॉडी पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं जो हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मल थिंग्स हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पांस या एंटीबॉडी बना सके ओके बॉडी में ऐसा एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे सो क्या करेंगे हम एंटीबॉडी ऐसा इंजेक्ट करेंगे बॉडी में जो हमारे उस ल्यूकेमिक सेल के थ्रू जो एबनॉर्मलिटीज हो रही है उसको फाइट करने के लिए हेल्प करे ठीक है इसको हम किसके थ्रू देंगे आईवी ओके सो क्लिनिकल में इसको और क्या बोलते हैं आईवीआईजी ओके आईजी मींस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी और आईवी के थ्रू देते हैं ओके सो व्हाट इज दिस आईवीआईजी देन नेक्स्ट टारगेटेड थेरेपी
targeted therapy uses drugs attack specific vulnerabilities within cancer cells. अब टारगेटेड थेरेपी क्या हो रहा है, टारगेट का मीनिंग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट करना. ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैंसर, जहां पे कैंसर है जिस सेल में, ठीक है, उस कैंसर सेल को टारगेट करके पर्टिकुलर डायरेक्ट वहां पे ड्रग अटैक करेंगे, यानी कि ड्रग प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो दैट इज टारगेटेड थेरेपी. देन रेडिएशन थेरेपी, वी ऑल नो वॉट इज दैट. देन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. ओके, सो वॉट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. Stem cell transplantation is the process in which we can transplant or we can change the damaged stem cells from the healthy stem cells, okay, which is present in the bone marrow. So, क्या बोल रहे हैं? बोन मैरो के अंदर एक ऐसा सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेम सेल्स. उसके डैमेज होने के कारण या फिर रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पहले स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, बाहर एस्पिरेट कर लेते हैं, स्टेम सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं. उसके बाद रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट को अगेन इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर स्टेम सेल डैमेज है तो हेल्दी स्टेम सेल से हम उसे रिप्लेस कर देते हैं. ओके ओके, सो मैनेजमेंट डन. And there is no surgical management because it is blood disorder. Then next is nursing management. So under the nursing management, we can provide supportive care. So first is leukemia and its treatment can lead to other health problems. Okay, leukemia is a disease and leukemia and its treatment, leukemia का जो treatment है वो भी दोनों क्या कर सकता है, other health problem cause कर सकता है. Okay, then patient can have supportive care before, during or after cancer treatment. हमें patient को पहले और treatment के during और after the cancer treatment क्या करना है, supportive care provide करना है. Okay, then next is infection. Because people with leukemia get infections very easily. Okay, अब अगर patient को leukemia है तो उसको very easily क्या होगा, कोई भी other infection cause कर सकता है. Okay, so patient may receive antibiotics and other drugs. Patient को उस चीज से बचाने के लिए, उस चीज का treatment करने के लिए other antibiotic या फिर drug दूसरा provide करते हैं. Okay, some people receive vaccines against flu and pneumonia. अब अगर patient को leukemia है already, हमें पता है कि patient को leukemia है तो उसको कोई जो other infection है वो भी क्या हो सकता है, जल्दी cause कर सकता है, तो हम उस patient को क्या vaccine भी provide करेंगे flu और pneumonia के against. Okay, then anemia and bleeding are other problems that often require supportive care. A blood disorder hai, patient ko anemia bhi ho sakta hai. Anemia kya hai, hum sabko pata hai. Okay, then bleeding also cause kar sakta hai. So patient may need of transfusion of RBCs or platelets. Theek hai, ab plate RBC provide karenge patient ko, transfuse karenge kyun, anemia se ट्रीटमेंट, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, एनीमिया से प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और प्लेटलेट्स. ठीक है, अब पेशेंट को एनीमिया क्या है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन के कम होने से ही होता है, ठीक है, और भी अदर होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की अगर पेशेंट को नीड होगा तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करेंगे. ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस, अगर पेशेंट को जिस कंपोनेंट की कमी होगी, जिस कंपोनेंट का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगा, तो हम पेशेंट को उस चीज का ट्रांसफ्यूजन करेंगे. ओके, देन ट्रांसफ्यूजन हेल्प ट्रीट एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस ब्लीडिंग. ओके, देन डेंटल प्रॉब्लम्स, ल्यूकेमिया एंड कीमोथेरेपी कैन मेक द माउथ सेंसिटिव, easily infected and likely to bleed. Doctors often advise patient to have a complete dental exam and if possible undergo needed dental care before chemotherapy begins. Okay, patient ko kya hai, leukemia hai, to humne jaise pehle bola ki patient ko easily koi bhi infection cause kar sakta hai, usi tarike se patient ka jo mouth hai wo leukemia ke ड्यूरिंग क्या होगा, सेंसिटिव होगा. ठीक है, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होने से या इन्फेक्शन होने से पेशेंट को क्या हो, ब्लीड हो सकता है माउथ में. ठीक है, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि कंप्लीट डेंटल एग्जामिनेशन लेने के लिए, ठीक है, डेंटल एग्जाम करवाने के लिए. ठीक है, और सेकेंड थिंग क्या बोलते हैं, अगर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले पेशेंट को डेंटल केयर पहले करवा लेना चाहिए. ठीक है, पेशेंट को कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले डेंटल केयर जरूरत होती है. नाउ इट्स क्लियर.
ओके देन आई थिंक ल्यूकेमिया इज नाउ क्लियर. थैंक यू.